चलो वापस आते हैं, कहाँ थे? जिंक। जिंक में Zn+2 आयन, Zn+2 आयन में होगा जिंक, स्पेशली कार्बोक्सिलेज। अभी बताए थे कार्बोक्सिलेज एट ये जो होता है प्रिकर्सर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये आया हुआ है, नीट पूछा गया है। और मैग्नीज फोटोलिसिस वाटर में हेल्प करता है। ये देखो क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन में होता है, और जिसका मेन जो होता है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अभी पढ़ोगे उसमें साइटोक्रोम जो होता है Ae3 में दो कॉपर सेंटर होता है, ठीक है, ये पूछा गया। अब बोरोन का देखो Bo3 3- या B4O7 2- में एब्जॉर्ब होता है। ये बोरोन का रिक्वायर्ड जो मेन पूछा गया है यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम और पोलन जर्मिनेशन, ये दोनों पूछा गया है, ठीक है गाइस, ये दोनों। और एक और पूछा गया है, ये तीन चीज इसमें मेन है, इसमें तीन इसका फंक्शन ये मेन है, पोलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। मोलिब्डेनियम का जो होता है मोलिब्डेनम आयन MOO2+ में होता है इंक्लूड, ये तो कौन नहीं जानता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजनेज में मोलिब्डेनम होता है। क्लोराइड आयन, क्लोराइड, क्लोराइड में दो चीजें इंपोर्टेंट है, ये तो मेन ये इंपोर्टेंट है, क्लोराइड है, ये जो होता है सोडियम और पोटेशियम के साथ एनायनिक कैटायनिक बैलेंस में तो हेल्प करता ही है। मेन है वाटर स्प्लिटिंग, अभी पढ़ेंगे फोटोलिसिस, वाटर स्प्लिटिंग में दो कर दिया, क्लोरीन कर दिया और मैग्नीज कर दिया, क्लोरीन और मैग्नीज याद रखना। अब आ जाओ डिफ्यूजन सिस्टम, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जिससे बिलो कोई भी प्लांट जो होता है अपना जो है ग्रोथ का रिटार्डेशन, ग्रोथ में ग्रोथ जो है रिटार्ड कर देता है, मतलब ग्रोथ जो हो रहा है रुक जाता है या नहीं होना या ग्रोथ कम हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, ऑफ कोर्स उसके मॉर्फोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी में कोई भी चेंज आएगा तो कोई ना कोई चीज का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अब देखो, अब ये वही है किसमें सिम्टम पीछे पड़ चुके हैं कि जो जो मोबिलाइज होगा, जो भी एलिमेंट मोबिलाइज होगा ओल्डर से, जब भी ओल्डर लीफ सेनेसेंट में जाएगा, वो अगर यंगर लीफ में चला आएगा, अगर उसे बोलते हैं मोबिलाइज, जो मोबिलाइज होगा उसका फर्स्ट सिम्टम किसमें दिखेगा, ओल्डर लीफ में, और जो मोबिलाइज नहीं होगा उसका फर्स्ट सिम्टम किसमें दिखेगा, यंगर लीफ में, क्योंकि ओल्डर के पास रहेगा, यंग के पास डिफिशियंसी आ जाएगी, तो उसी का दिया है। किस डिफिशिएंसी सिस्टम किस किस में, पोटेशियम मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ, मतलब ओल्डर में दिखेगा डिफिशिएंसी अपीयर फर्स्ट इन। यहां पे देखो थोड़ा सा कंट्रास्ट है, लाइक सल्फर एंड इधर कैल्शियम दे रखा है, दोनों ध्यान में रखना। लेकिन पीछे जो पढ़े हैं अभी हम लोग पढ़ के आए फिजियोलॉजी में, अभी फिजियोलॉजी के पिछले चैप्टर में उसमें केवल कैल्शियम दिया था, सल्फर नहीं, यहाँ पे सल्फर कैल्शियम दोनों दे रखा है, तो थोड़ा सा ये चीज आप कॉन्ट्रास्ट है एनसीईआरटी में ध्यान रखना। इसमें देखो सल्फर कैल्शियम दोनों को दिखाया है कि मोबिलाइज नहीं करता है, पीछे में एक ही को केवल दे रखा था, केवल कैल्शियम को, तो कैल्शियम मेन है कि ये तो 100% रिमोबिलाइज नहीं होता है, लेकिन उसके सल्फर थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और जब फोटोलिसिस, ये बहुत बार पूछा गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कैसे करेंगे, चलो आते हैं बताते हैं, बताते हैं आप लोग को कैसे याद करना है। देखो क्लोरोसिस, इसमें दो चीज है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, ये दोनों का डिफरेंस कैसे याद करो, दोनों में क्लोरोफिल का मतलब कि डेथ ऑफ टिश्यू होता है। इसमें जो होता है क्लोरोसिस में जो होता है लीफ येलोइंग हो जाता है, क्लोरोसिस में, सॉरी, क्लोरोसिस में जो लीफ होता है येलो होता है वो हो जाता है क्लोरोफिल के लॉस के कारण, और नेक्रोसिस में डेथ ऑफ टिश्यू होता है। तो कैसे याद करो कि क्लोरिल किसके डिफरेंस से होता है, तो ऐसे याद करना, नक नक मन एमएन, नक मन, नक मंजन, नक मंजन, नक मंजन, ऐसे याद रखना, नक मंजन से, नक मंजन से, नक मंजन से फेरे मन को, मन को या कोर, या ऐसे याद रखना, कार्बन नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीज जिंक, नकमंजन से, नकमंजन से फिर एमओ, एमओ मोलिब्डेनम है, नकमंजन से फिर एमओ, नक नक मन जन से फिर मन मग को, नकमंजन से
फेरे मन को नकमंजन से, इसमें ऐसे रख रख नकमंजन से फेरे मन को, याद आ गया यार, मन को नकमंजन से फेरे मन को, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक सल्फर एफ आयरन मंजन एमएन और कोबाल्ट, नकमंजन से फेरे मन को। अब इसका याद नहीं